आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रभात तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों प्रभात तिवारी स्टडी आईयू पे। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्त, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईयू पे। दोस्तों जैसा कि मालूम होगा, UP SSC यानी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली PET भर्ती परीक्षा 2021 विवादों में घिर चुकी दोस्तों, और इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे दोस्तों जिनका पेपर 24 तारीख को दोस्तों, दो पेपर है CGL और यहां पर UP SSC PET का। जिन लोगों का दोस्तों PET का 24 तारीख का पेपर दोस्तों, मैं उन लोगों का वीडियो बोलूंगा कि आप लोग रुकिए, बाकी जिन लोगों का CGL का पेपर 24 तारीख को नहीं है उन लोगों को बोल दे रहा हूं कि साफ साफ यहां वीडियो चले जाइए, क्योंकि मुझे पता है लोग दोस्त कि आप यहां पर आने के बाद आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा जो हमेशा से मुद्दा रहता है दोस्तों सबका साथ सबका विकास, मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूं दोस्तों, प्रॉपर उनको यहां पर नोटिफिकेशन के माध्यम से या फिर कोई भी जानकारी मिली है मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूं कि क्या यहां पर भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या फैसला लिया जा रहा है, पल पल की अपडेट दे रहा हूं। तो सभी से निवेदन है जिनका 24 अगस्त का पेपर है वही रुकिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आएगी। तो जिनको भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग जो भी आपके लोगों की राय हो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो मत देखना, बाकी आप लोग गंदे कमेंट मत करिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो साथ है उन बच्चों का साथ है जिनका एग्जाम हो रहा है दोस्तों, 24 तारीख को दो एग्जाम पढ़ रहे हैं, तो ठीक है आप लोग यहां से वीडियो जा सकते हैं, लेकिन जिनका 24 तारीख का एग्जाम है उनके लिए अपडेट सुनिए दोस्तों। यहां पर दोस्तों आपको पता होगा कि आज यहां पर सीएम आवास से दोस्तों यहां पर जो मीटिंग हुई थी उसका रिपोर्ट भेजा गया था सीएम आवास में, लेकिन दोस्तों भर्ती बोर्ड से जब पूछा गया कि वहां से क्या फीडबैक आया, तो भर्ती बोर्ड दोस्तों इस पर से मुकर गया, उन्होंने कहा अभी तक सीएम आवास से कोई भी फीडबैक नहीं आया, ठीक है, सीएम आवास से दोस्तों अभी भी कोई फीडबैक नहीं आया है, और कहा है, ठीक है, कहा है कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी आपको वहां से फीडबैक आता है आपको कल तक मिल जाएगा, ठीक है, कल शाम तक उन्होंने वक्त दिया है कि कल शाम तक आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा यहां पर सीएम आवास से आपको मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, एक बार फिर दोस्तों आज भर्ती बोर्ड की लगातार 2 घंटे मीटिंग चली है दोस्तों, 2 बजे से 4 बजे तक, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में, ठीक है, जिन लोगों का एग्जाम है 24 अगस्त को दो एग्जाम पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, अगर यहां पर भर्ती बोर्ड दोस्तों 2 दिन के अंदर 2 बार लगातार 2-2 घंटे की मीटिंग कर रहा है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला दोस्तों। मैं यही कामना करता हूं कि जो आपका 24 अगस्त को कंडक्ट कराया जा रहा है एग्जाम दोस्तों, ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आपको पता होगा दोस्तों कि यहां पर 19 लाख आपके CGL में कैंडिडेट है, ठीक है, 19 लाख CGL में कैंडिडेट है और 21 लाख के समथिंग PET में है, तो मैं चाहता हूं सबको मौका मिले, इसीलिए दोस्तों ये चैनल आपके लिए पल पल की सपोर्ट कर रहा है, और ये चाहता है दोस्त कि आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, आपके साथ खड़ा हूं, और आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया दोस्तों, अपने चैनल को इतना और प्यार और सपोर्ट दिया है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों आप लोगों के जो आज यहां पर भर्ती बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि 75,000 के करीब आप लोगों ने मेल किया है, तो सभी लोगों से निवेदन है जिनका भी एग्जाम दोस्तों 24 अगस्त को हो रहा है, 2 एग्जाम पढ़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग भर्ती बोर्ड को लगातार मेल करते रहिए दोस्तों, ट्वीट करते रहिए, ठीक है, और अगर आप पत्र भी लिख पा रहे हैं तो लगातार पत्र लिखते रहिए दोस्तों, उनको सूचित करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही भर्ती बोर्ड यहां पर दबाव आ रहा है, मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है दोस्तों, और चर्चाएं इस पर तेज हो गई हैं, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम कंडक्ट कराने में जल्दबाजी कर रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सीएम ऑफिस से दोस्तों जो आपका फीडबैक आना था, सीएम की तरफ से जो भी नोटिस आना था, उसको यहां पर भर्ती बोर्ड ने दोस्तों वहां पर इसको गुप्त रखा है, उसको जानकारी दोस्तों अभी तक किसी को सार्वजनिक नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखा देंगे। और दूसरी बात, जो आज की मीटिंग चली थी, आज की मीटिंग दोस्तों जो चली थी 2 घंटे की, उसको भी इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है, बोला है कि जो भी कोई अपडेट होगी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो दोस्तों यहां से यही जानकारी आई, ठीक है, लेकिन इतना मान के चलिए जिस तरह से भर्ती बोर्ड दोस्तों लगातार मीटिंग में मीटिंग करा दोस्तों, ये मान के चलिए 60-70% चांस है कि जिन लोगों का 24 तारीख को एग्जाम दोस्तों उनका पोस्टपोन हो सकता है। अभी के लिए दोस्तों इतनी जानकारी थी, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर भर्ती बोर्ड के कोई भी अधिकारी का बयान आता है या फिर दोस्तों कोई भी पेपर कटिंग आती है, पल पल की अपडेट दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पल पल की अपडेट मिलेगा हमारे चैनल के नाम से दोस्तों, एकमात्र चैनल आप लोगों के कमेंट पढ़ता है दोस्तों। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेरे को कमेंट्स किया कि सर बताइए क्या हुआ, अभी मेरे को जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों यहां पर जीवाणु और रोग से संबंधित वीडियो, वहां पर कमेंट्स आ रहे कि सर अपडेट बताइए, तो अपडेट दोस्तों यही है। अगर जिन लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत, और आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए और जो अभ्यर्थी अपना 2 एग्जाम दे रहे हैं उनका दोस्तों एग्जाम हो जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों, खुश रहिएगा आप।